वीडियो में हम एक पज़ल सॉल्व करेंगे। छोटी सी पज़ल है तो शुरू करते हैं। सिक्स पीपल ए बी सी डी ई एफ आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर सर्कुलर टेबल। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, फेसिंग आउटसाइड। तो हम सिक्स पीपल हैं, तो सिक्स पीपल कैसे दिखाएंगे? ये हमने दिखा दिए चार, और ये हो गए छः। 1 2 3 4 5 6, छः पीपल हो गए। सबके सब आउटसाइड फेस करते हैं। कहाँ फेस करते हैं? आउटसाइड फेस करते हैं, ऐसा हमको बताया गया है। ठीक हो गया। ठीक है, सी इज़ नॉट नॉट सिटिंग सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ एफ। ठीक है, ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट है तो इससे शुरू नहीं कर सकते हम। ई सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ ए, तो ए इसको मान लेते हैं। तो ए के राइट में ई सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ ए, मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यानी कि ई यहाँ पर पे है। ई सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ ए। बी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एफ, तो एफ के बारे में है इन्फॉर्मेशन, ये भी हम अभी नहीं कर सकते, इसको भी छोड़ते हैं। सी एंड ए आर नॉट इमीडिएट नेबर, तो सी यहाँ पर तो नहीं आता है, तो एक कंडीशन और बना लेंगे हम ऐसे करके। ठीक है, एक कंडीशन और हम ले लेंगे, सबके सब आउटसाइड फेस कर रहे हैं। तो एक जैसी बनाना ज़रूरी है। देखो ये घर पर मैंने थोड़ा गलत बना दिया, एक जैसी बनाना ज़रूरी है। मैं फिर से बनाता हूँ। अगर मैंने ऐसा बनाया 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके बनाया, तो इसी तरीके से अगला भी ऐसे ही बनेगा। फिर मैंने गलत तो नहीं बना दिया? फिर गलत बना दिया मैंने। देखो ऐसे करते हैं, ठीक है, ये ले लेते हैं। ठीक है, तीन उधर को दिखा दिए, तीन इधर को दिखा दिए, तो इसी तरीके से ये दिखा दिए हमने। अब देखो, सी सी इज़ नॉट सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, ई सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ ए। तो ए यहाँ पर आ गया, इसका राइट इधर को होगा, तो ई कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर पे आ जाएगा, थर्ड टू राइट। तो इसको यहाँ पर पे भी दिखा देते हैं, ए और ई। ठीक है, सबके सब आउटसाइड को फेस कर रहे हैं, ये हमको बता रखा है। इसके बाद देखो क्या बताता है ये, बी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एफ, इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। सी एंड ए आर नॉट इमीडिएट नेबर, सी एंड ए आर नॉट इमीडिएट नेबर्स। तो देखो सी यहाँ पर पे आ सकता है, ठीक है, एक सी यहाँ पर पे आ सकता है, ये हमने दिखा दिया सी। सी एंड बी एंड ए आर नेबर्स, बी एंड ए आर नेबर्स कह रहा है, तो बी या तो यहाँ पर आ सकता है या तो यहाँ पर आ सकता है। इन दो पोजिशन में क्या आ सकता है? बी आ सकता है, यहाँ पर पे बी या तो यहाँ पर पे बी, तो इसी में यहाँ पर पे बी या तो यहाँ पर पे बी। अब हम चलते हैं अपने पहले स्टेटमेंट में। सी इज़ नॉट सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, तो सी अगर यहाँ पर है, तो एफ अगर मैं बनाता हूँ यहाँ पर, तो सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ एफ सी नहीं है। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? नहीं, इससे तो कुछ नहीं हो सकता। देखो ई सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ ए, ये हमने बना दिया। बी सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ एफ, बी सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ एफ। देखो अगर बी फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, देखो बी अगर सी यहाँ पर पे है, तो बी यहीं पर पे हो सकता है। ठीक है, और एफ कहाँ पर हो सकता है? एफ हो सकता है यहीं पर, बी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एफ, एफ यहाँ पर पे होगा, आउटसाइड जैसे होगा, तो 1 2 3rd, तो बी यहीं पर आ सकता है। तो इसी तरीके से बी जो है सी के सामने नहीं होगा, यहाँ पर पे आएगा बी, एफ यहाँ पर पे होगा, आउटसाइड ऐसे देखेंगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन में बी आना चाहिए, तो ऐसा होगा। सी एंड ए आर नॉट नॉट नेबर्स, सी एंड ए आर ये तो हमने बना दिया, बी एंड ए आर नेबर्स ये भी हमने बना दिया। ठीक है, ए बी सी बचा क्या? डी बचा, तो डी को हम यहाँ पर रख देंगे, डी को यहाँ पर रख देंगे। अब हम स्टेटमेंट एक बार फिर से पढ़ते हैं। सी इज़ नॉट सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, एफ यहाँ पर है फर्स्ट सेकेंड इस पोजिशन में। ये तो दोनों जगह पे हो जा रहा है क्या? देखो नहीं, नहीं हो रहा है, इस पोजिशन में सही है। सी इज़ नॉट सिटिंग सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ एफ, एफ के फर्स्ट सेकेंड इस पोजीशन में हो जा रहा है ऐसा, तो याली पॉसिबिलिटी हमारी गलत हो जाएगी। सी इज़ नॉट सिटिंग, सी इज़ नॉट सिटिंग सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ एफ, तो यहाँ पर सेकेंड टू राइट ऑफ एफ है सी, तो इसलिए याली पॉसिबिलिटी हमारी सही होगी। देखो छोटा क्वेश्चन था, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा हम घूम गए, तो इस तरीके से ये पजल बननी थी। तो इस वीडियो में इतना ही।